फिर मैं नसीर अहमद खान से कुपवाड़ा से हूँ। तो हम यहाँ पे आए आपने विलेज के बारे में सुन के हमें विलेज जो है वो बंद स्पेशल सब जिन टंगमर्ग से हूँ सर। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे इसलिए आए हैं कि हमारे एक्सीडेंट जो हुए हैं 2015 के बाद हमें एक्सीडेंट के साथ पीडीएल जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट्स हुए हैं सर, उनके बाद पीडीएल ऑर्डर दिए, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके ऑर्डर्स दे चुके हैं सर। उसके बाद एंगेज किया है डिपार्टमेंट ने हमें 2015 से लेकर 2020 तक हमें तनख्वाह मिल रही थी, मई महीने से हमारी तनख्वाह बंद है। हम जानना चाहते हैं कि खाली एक्सीडेंट के साथ, डिपार्टमेंट ने कहा था कि पहले एक्सीडेंट के साथ इंसाफ होगा, मगर डिपार्टमेंट ने एक्सीडेंट केस को पेंडिंग छोड़ा है सर। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह क्यों बंद हुई है, हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द छूटनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक पिक्चर लगी है जिसमें दिखाया गया कि एक एक्सीडेंट पेशेंट है, तो इसके बारे में बताइए। और जो ये आपके साथ में से ये बंदे हैं सर, तो इसकी बाजू कटी हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में सर, जैसे कि आप देख रहे हो कि इन फोटो में कि हमारी जो एक्सीडेंट हुई है, इसका बाप है, मेरा भी भाई जो जा चुका है, इसके हाथ दोनों हाथ कट चुके हैं 2014 में, 2015 में इसके डिपार्टमेंट ने पीडीएल ऑर्डर दिया है। उसके बाद हमें रेगुलरली तनख्वाह मिल रही थी सर। 2020 में जब सब डिलीवरियों की तनख्वाह आई है सर, तब तक तो ऑनरी एक्सीडेंट की आ रही थी। 2015 के बाद हमें जब तनख्वाह आई 20 तक, अप्रैल तक, मई महीने से हमारी तनख्वाह बंद की डिपार्टमेंट ने सर। आपकी डिमांड क्या रहेगी सर? हमारी डिमांड यही है कि बस हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस।